How to fix Vivo Y19 contact not showing problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि आपको कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है मिसिंग दिखाई दे रहा है, आपका कोई कॉन्टैक्ट जो है वो मिसिंग हो गया है, कोई कॉन्टैक्ट शो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों कैसे करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो पर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कमाल का सॉल्यूशन बताऊँगा, उसको करके आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका जो वो नंबर है गलती से भी डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने गलती से नंबर डिलीट कर दिया तो आपको री से ऐड करना होगा नंबर को। लेकिन आपने पहले से नंबर ऐड कर रखा है, ठीक है, नंबर आपके फ़ोन पे ही था, लेकिन बाय मिस्टेकनली वो नंबर जो है यहाँ पर मिसिंग हो गया है, ठीक है, कुछ सेटिंग्स के वजह से। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा इसके लिए आइए देखते हैं। तो हमें दोस्तों जाना है सेटिंग पर, सेटिंग पर जाके स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे एप एंड एप्लीकेशन एंड परमिशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें जाना है और ऐप मैनेजर को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, और आपको जैसे ही यहाँ पर ये इंटरफेस दिख जाते हैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर लेना है। कॉन्टैक्ट्स ओपन करने के बाद आपको फोर स्टॉप करना है, फोर स्टॉप करने के बाद दोस्तों ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर जाइए, यहाँ जाने के बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। ये करने के बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर बैक करें, बैक करने के बाद दोस्तों आपको परमिशन पर जाना है। परमिशंस वगैरह दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अलाउ करने के लिए दिया हुआ है तो सब परमिशंस को बारी बारी अलाउ कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट पर जाइए, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर जाने के बाद आपको ऊपर में जो गियर आइकॉन यानी कि आपका सेटिंग है उसमें आपको जाना है। उसमें जाके दोस्तों आपको डिस्प्ले कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। डिस्प्ले कॉन्टैक्ट नीचे आप देख सकते हैं मर्ज डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट के ठीक ऊपर में डिस्प्ले कॉन्टैक्ट है, उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपका कोई जो है जीमेल, ठीक है, इस प्रकार से जीमेल को आपने टिक नहीं किया है, तो दोस्तों उस जीमेल को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपने दोस्तों यदि जो है जीमेल से आपने जो है जीमेल पे नंबर सेव कर रखा है तो जीमेल यदि आपका यहाँ पर अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है, आपका जो जीमेल है उसको यहाँ पर टिक नहीं रहेगा तो दोस्तों उस जीमेल पे जितने भी नंबर्स वगैरह है वो आपके फ़ोन पे शो नहीं करेगा, ठीक है। आपको उस जीमेल आपको जो है उस जीमेल को जाके यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद इस जीमेल के रिगार्डिंग पर जितने भी कॉन्टेक्ट है वो आपको शो कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं डिस्प्ले कॉन्टैक्ट पर कौन सा जीमेल पे कितना नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई जीमेल पे एक नंबर है, कोई जीमेल पर 245, कोई जीमेल पर 121, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बस जाके आपको उसे इनेबल करना है, जैसे आप इनेबल कर लोगे आपको वो कॉन्टैक्ट दिख जाएगा, ठीक है। यदि आपने उस जीमेल को रिमूव कर दिया तो भी वो कॉन्टैक्ट जो है मिस हो जाएगा, ठीक है, आपको उस जीमेल को दोबारा से ऐड करना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।